तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग दो दो खुशखबरियों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि जुड़ी हुई है भारतीय नौसेना की तरफ से। सबसे पहले बात कर लीजिए आईएनएस विक्रमादित्य की। तो यार हम सभी जानते हैं कुछ ही समय पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था, कुल 4-5 महीने हो चुके हैं जब बड़ी गंभीर स्थिति थी भारतीय नौसेना की तरफ से। मैंने आपको वीडियो में बताया था कि हमारा आईएनएस विक्रमादित्य जो कि काफी ज्यादा पुराना हो चुका है, दरअसल हम सभी जानते हैं कि ये जो आईएनएस विक्रमादित्य है ये युद्धपोत हमने रशिया से खरीदा था सेकेंड हैंड। उसके बाद हमने इसे रिफिट करवाकर भारतीय कंडीशंस के हिसाब से तैयार किया और उसके बाद इसका इस्तेमाल भारतीय नौसेना करने लगी, क्योंकि हमारा पुराना वाला आईएनएस विक्रांत जो था वो रिटायर हो चुका था तो उसकी जगह इसने ले ली। लेकिन चूंकि ये काफी ज्यादा पुराना था, भूरा ही हो चुका था एक तरह से, और इसे मेजर रिफिटिंग की जरूरत थी, इस वजह से इसे रिफिटिंग के लिए भेजा गया। और 4-5 महीनों पहले जब मैंने आपको वीडियो बनाकर दी थी उस समय कुल 19 महीने हो चुके थे जब इसका मेंटेनेंस कार्य चल रहा था। तो उस वीडियो में मैंने आपको काफी चिंताजनक बात बताई थी कि देखिए पिछले 19 महीनों से भारतीय नौसेना के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशनल नहीं है, और ये बिल्कुल यार भारत के हिसाब से बिल्कुल भी सही बात नहीं थी, क्योंकि उस समय हमारा आईएनएस विक्रांत जो नया बना है, जो हमने स्वदेशी तौर पर बनाया है, वो भी अपने सी ट्रायल कंप्लीट कर रहा था। तो ऐसी परिस्थिति में अगर कोई युद्ध हो जाता तो एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर हमारे पास उपलब्ध नहीं होता। अब लगभग 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस बात को, यानी 2 साल से लगभग रिफिटिंग का काम चल रहा था आईएनएस विक्रमादित्य का, लेकिन फाइनली सुखद खबर निकल कर आ गई और बताया जा रहा है कि इस महीने के आखिर तक, यानी केवल 10 से 11 दिन बाकी हैं, उसके बाद हमारा आईएनएस विक्रमादित्य पूरी तरह से तैयार होगा अपनी समुद्री यात्रा के लिए, यानी वो युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार होगा। उसका जो रिफिटिंग का काम था वो कर लिया गया है और काफी मेजर तौर पर किया गया है, तो कहने का मतलब आने वाले काफी समय तक अब इसे आवश्यकता नहीं पड़ेगी ज्यादा बड़े मेंटेनेंस की। जो नॉर्मली रूटीन मेंटेनेंस होता है उसी से काम चल जाया करेगा। और अच्छी बात यह है कि अब हमारा आईएनएस विक्रांत भी तैयार हो चुका है, तो अगर किसी रिफिटिंग के लिए ये जाता भी है या रूटीन मेंटेनेंस के लिए जाता है तो इस दौरान हमारे पास आईएनएस विक्रांत बरकरार रहेगा। कहने का मतलब अब भारतीय नौसेना के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर हर हाल में ऑपरेशनल रहेगा। हालांकि यहाँ पर भी हमारी रिक्वायरमेंट अब खत्म नहीं होती, एक और चाहिए, ताकि अगर 3 में से कोई एक एयरक्राफ्ट कैरियर मेंटेनेंस के लिए गया हो तो इस दौरान भी हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशनल रहेंगे, एक चाइनीज साइट पर तो एक पाकिस्तानी साइट पर, या दोनों चाइनीज साइट पर बिल्कुल डटे रहेंगे। तो ये स्थिति हर हाल में हमें चाहिए, इसलिए तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर जल्द से जल्द कोई ना कोई समाधान निकालना चाहिए। चलिए बढ़ते हम लोग अगली खबर के ऊपर। अगली खबर आ रही है भारत फ्रांस को लेकर। दरअसल हम सभी जानते हैं कि भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट के आधार पर 26 की संख्या में फ्रांसीसी रफाल एम खरीदे जा रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और डाउट पूरा कर दूं जो कि आप लोग काफी समय से क्वेश्चन कर रहे थे। देखिए भारतीय नौसेना के पास 2 ऑप्शन थे, अमेरिका का F-18 सुपर हॉर्नेट जो कि बोइंग बनाती है, और दूसरा ऑप्शन था फ्रांसीसी रफाल एम। अब भारत की मीडिया और फ्रांस की मीडिया दोनों की तरफ से इस बात का खुलासा किया गया है कि भारतीय नौसेना ने फाइनली रफाल एम को सेलेक्ट कर लिया है और मार्च 2023 में, यानी आने वाले 2.5 महीनों में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत की यात्रा पर आएंगे और इस दौरान दोनों देशों के बीच में डील साइन हो जाएगी। हालांकि अभी तक मैं आपको बता दूं कि ना तो भारतीय नौसेना ने, ना भारतीय गवर्नमेंट ने, ना फ्रांसीसी गवर्नमेंट ने, और ना ही रफाल के मैन्युफैक्चरर यानी डसॉल्ट एविएशन की तरफ से किसी तरह का कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन दिया गया इसको लेकर, लेकिन दोनों देशों की मीडिया द्वारा ये खुलासा किया गया है। अब इसको लेकर लोग क्वेश्चन करते हैं कि जब किसी तरह का कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया अभी तक, तो फिर आप किस तरह से कह सकते हैं, किस आधार पर कह सकते हैं कि भारतीय नौसेना के लिए रफाल एम ही चुना जाएगा? तो यहां पर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा बोइंग की पीआर टीम के बारे में। आपको याद होगा आज से 4-5 महीनों पहले मैंने एक वीडियो बनाकर आपको बताया था कि बोइंग ने इस लेवल की पीआर शुरू कर दी है अपने F-18 सुपर हॉर्नेट को लेकर कि उसने रफाल एम को लेकर क्रिटिसिज्म करना भी शुरू कर दिया है, और भारत को ये बताने की कोशिश की जा रही है बोइंग की पीआर की तरफ से कि देखिए रफाल एम आपके लिए सूटेबल नहीं है, हमारा जो F-18 सुपर हॉर्नेट है वही आप खरीदिए। आपको शायद याद होगी मेरी वो वीडियो, काफी बड़े लेवल पर इन्होंने अपनी पीआर शुरू कर दी थी। लेकिन अभी इतने बड़े बड़े 2 खुलासे हो गए हैं, भारत की मीडिया, फ्रांस की मीडिया, दोनों की तरफ से बताया गया है कि नौसेना ने रफाल एम को सेलेक्ट कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक किसी तरह का कोई जवाब या कोई बयान इसको लेकर बोइंग की तरफ से नहीं आया। अगर इस बात में सच्चाई नहीं होती तो अभी तक बोइंग का एकाध बयान तो आ जाता और बोइंग की तरफ से इस खबर को खंडन कर दिया जाता कि नहीं ऐसा नहीं है, अभी भी F-18 सुपर हॉर्नेट रेस में बरकरार है, लेकिन कोई उनका बयान नहीं आया। तो इस लॉजिक के आधार पर भी हम लोग कह सकते हैं कि भारतीय नौसेना के लिए रफाल एम फाइनल कर लिए गए हैं। अभी मैं आपको बता दूं कि भारत और फ्रांस के बीच में चल रहा है एक एक्सरसाइज जिसे नाम दिया गया है वरुणा, और इसके लिए फ्रांसीसी स्ट्राइक ग्रुप भारत आया हुआ है जिसमें फ्रांस का एयरक्राफ्ट कैरियर
चार्ल्स डिगाल भी भारत आया हुआ है अपने पूरे स्ट्राइक ग्रुप को लेकर, और इसी के साथ भारतीय नौसेना अपना युद्ध अभ्यास कर रही है। तो बताया जा रहा है दोस्तों कि यहाँ पर बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं कि भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर यानी INS विक्रांत पर रफाल एम लैंड कर सकता है। जी हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली फ्रांसीसी नौसेना भी रफाल एम का इस्तेमाल करती है, और इस समय अगर उनका स्ट्राइक ग्रुप आया हुआ है, उनका एयरक्राफ्ट कैरियर भी आया हुआ है, तो स्वाभाविक सी बात है कि इसके साथ रफाल एम भी आए होंगे। तो बताया जा रहा है यहाँ पर काफी ज्यादा संभावनाएं हैं, कुछ ऐसे इंडिकेशन मिले हैं जिससे डिफेंस एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि INS विक्रांत के ऊपर रफाल एम लैंड कर सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो INS हंसा है, जो हमारी टेस्टिंग फैसिलिटी है जहाँ पर इसकी जंप वगैरह की सुविधा सारी कुछ बनी हुई है, वो बिल्कुल हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह ही फील देती है, और वहां से डेमोन्स्ट्रेशन कम्प्लीट हो चुका है फ्रांसीसी रफाल एम का भी और अमेरिका के F-18 सुपर हॉर्नेट का भी। दोनों ने अपने टेस्ट वगैरह देकर भारत की नौसेना के सामने अपने आंकड़े रखे हैं। लेकिन अभी तक एयरक्राफ्ट कैरियर की अगर बात की जाए तो डायरेक्टली INS विक्रांत के ऊपर इसकी लैंडिंग वगैरह नहीं हुई है। तो बताया जा रहा है कि काफी ज्यादा चांसेस हैं कि इस सेरेमनी को भी यहां पर कंडक्ट किया जाए। अगर ऐसा होता है तो ये काफी अच्छी बात होगी। तो खैर, अभी लैंडिंग हो या जब हम खरीद लेंगे उसके बाद लैंडिंग हो, बात एक ही है। अल्टीमेटली हमारे दो एयरक्राफ्ट कैरियर, हिंद के दोनों शेर, इस समय तैयार है पूरी तरह से युद्ध करने के लिए और भारत की सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए। ये समय ज्यादा अनिवार्य है। फिलहाल हमारे पास MiG-29K हैं, पुराने हैं और संख्या में भी काफी कम है, लेकिन फिर भी हमारी आवश्यकताओं को वो पूरा कर रहे हैं। जल्दी 26 की संख्या में नए जेट्स आ जाने के बाद हमारी ये क्षमता दोगुनी लगभग हो जाएगी। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।